So our next topic is gametogenesis, and this is the next topic after female reproductive system of chapter 3. So first of all, what is gametogenesis? So we know that in case of males, the primary sex organs ne wo hai a testis, and testis ki banata hai male gamete, that is sperm. And in case of female gamete, that is ovum bande ne. Theek hai, so aa jehdi formation of gametes aa is process nu apan gametogenesis keh dende hai. Theek hai, so first of all we will see about spermatogenesis in detail, how sperms get formed. So it occurs in the seminiferous tubules of testis. Theek hai, testis de vich seminiferous tubules hundiyan ne, apan pehla padhya siga ode vich a spermatogenesis process hunda hai. इस करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टेस्टिस किया जाता है. एंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे विच ही कि इन क्यों किया जाता है, हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि इधर विच ही मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट ने एंड दे विल मेक स्पर्म. सो दिस इज द सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर विच शो किया गया कि जो इनर लेयर है इधर उन पर जर्मिनल एपिथेलियल लेयर कहते हैं, और अंडर टू सैल्स ने स्पर्मेटोगोनियम एंड सर्टोली सैल्स. जो स्पर्मेटोगोनियम है वो स्मॉलर सैल्स ने, जो सर्टोली सैल्स ने क्वाइट लार्जर सैल ने. स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सैल्स ने अगे जाके स्पर्म्स बनाने, जो सर्टोली सैल्स ने स्पर्मेटोगोनियम दैट मीनस स्पर्म्स जो अगे बनने उन्होंने न्यूट्रीशन प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई सर्टोली सैल्स नर्व सैल्स भी कहा जाता है. ठीक है, सो नॉर्मली प्रोसेस की होंगे है कि इन टेस्टिस जो इमैच्योर मेल जर्म सैल्स होंगे ने वो स्पर्म्स फॉर्म करते हैं. स्पर्म की फॉर्मेशन कदों स्टार्ट होंगी है, एट द एज ऑफ पुबर्टी. इन विच दो स्टेजेस आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सैकेंड स्टेज इज मेटामॉर्फिसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स. सो मतलब पुबर्टी स्टेज दैट मीनस 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज जी आप मतलब देखते हैं बॉयज के अंडर, ड्यूरिंग दैट स्टेज स्पर्म्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. हुण इहदियां दो स्टेजेस आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे. सो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. सो देखो प्रीमोडियल जर्म सैल्स जिहड़े तुहानूं शो कीते गए ने, ठीक है, प्रीमोडियल जर्म सैल्स च की हुंदा है, जिहड़ी अपनी टेस्टिस है, ठीक है, उहदे विच प्रीमोडियल जर्म सैल्स प्रेजेंट हुंदे ने. सो ए प्रीमोडियल जर्म सैल्स मल्टीप्लीकेशन फेज दे विच एंटर हुंदे ने, क्योंकि ए डिप्लॉयड ने. ठीक है, सो टू एन आप टू एन रिप्रजेंट करांगे इन्हों. फर्दर माइटोसिस होगी, माइटोसिस डिवीजन चेंटर होंगे. सो यू नो वेरी वेल कि माइटोसिस दे विच एक तो दो सैल्स बनते हैं, बट जे न्यू सैल्स बनते हैं उन्होंने क्रोमोसोमल नंबर सेम रहा है. ठीक है, सो वी विल सी कि वन तो टू सैल्स बने एंड देयर क्रोमोसोमल नंबर इज कॉन्सटेंट, टू एन द टू एन ही रहेगा. हम जो न्यूली सैल्स बने ने आप कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, दैट मीनस मेल जर्म सैल्स. ठीक है, फर्दर फिर तो इन्हों की माइटोसिस डिवीजन होगी, तो टू तो फोर सैल्स बनने, है ना. बट स्पेशल पॉइंट की हो गया था, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन आ क्रोमोसोमल नंबर विल बी सेम, दैट मीनस टू एन तो टू एन ही, डिप्लॉयड द डिप्लॉयड ही रहो. ठीक है, फिर आ जे फोर सैल्स ने यह फर्दर एट्स जाएंगे. ठीक है, इदा इन्हों की डिवीजन होंगी रही है. फर्दर वी विल सी कि सैकेंड ग्रोथ फेज विल गैट स्टार्ट. ठीक है, ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा, जोड़ा एक सैल होगा इन चारा के आ चारा के एक सैल होगा, इट विल ग्रो इन साइज इन ग्रोथ फेज. ठीक है, साइज ही ग्रो होगा बट वह क्रोमोसोमल नंबर सेम रहेगा. सो आप देखेंगे ग्रोथ फेज के एक सैल ग्रो किया तो वह साइज इनक्रीज होया तो कि कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज इनक्रीज हुआ बट क्रोमोसोमल नंबर इज 46. नाउ इतों मैचुरेशन फेज स्टार्ट होगी. मैचुरेशन फेज दे विच की देखांगे आपां, सब तो पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दी मियोसिस वन होगी. मियोसिस वन जिहड़ा क्रोमोसोमल नंबर इट विल गेट रिड्यूस हाफ हो जू, टू एन तो वो एन एन बन जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपां नूं पता है कि मियोसिस दे विच रिडक्शन डिवीजन है, इहदे विच रिडक्शन होगी, है ना. सो यू विल सी मियोसिस वन इहदे विच एक तो दो सैल्स बने, वो पहला डिपलॉयड सी हुण हैपलॉयड हो गए ने सैल्स, रिडक्शन हुई. हुण जिहड़े न्यूली सैल्स बने उन्होंने आपां की कहांगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दे कंटेन 23 सैट ऑफ क्रोमोसोम ईच.
हूँ आज जो दो सैल्स बने ने फर्दर दे विल अंडरगो मियोसिस टू। आपको पता है कि मियोसिस टू जी है इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। सो ये क्रोमोसोमल नंबर जो एन है तो एन ही रहेंगे, ठीक है, दैट मीनस क्रोमोसोमल नंबर विल बी सेम, वो चेंज नहीं हो क्रोमोसोमल नंबर, सो कॉन्सटेंट रहो। सो मियोसिस टू के एक तो दो सैल्स बने बट उन्होंने क्रोमोसोमल नंबर दैट मीनस जो हैप्लॉयड ने तो हैप्लॉयड ही रहो। हूँ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो अगे बने ने बाय मियोसिस टू उन्होंने आप नेम देवे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो हूँ आई वॉन्ट टू टैल यू कि जी स्पर्मैटिड्स बने ने, ठीक है, स्पर्मैटिड्स का फीचर की है कि दे आर क्वाइट हैवी एंड दे आर नॉन मोटाइल। हूँ हैवी क्यों नहीं, बिकॉज दे कंटेन न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ठीक है, सो जो उन्हें हैवी कर देता है। हूँ इतने तक सी अपनी फर्स्ट स्टेज दैट मीनस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स, स्पर्मैटिड्स बन गए। हम सैकेंड स्टेज देखते हैं आप, देखो स्पर्मैटो जे अपने स्पर्मैटिड से, ठीक है, हूँ वो स्पर उन्होंने स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के नाल की बनाएंगे स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है। सो स्पर्मैटिड्स अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, सो स्पर्मियोजेनेसिस के नाल स्पर्म्स बनेंगे। आ जी अपने न्यू स्पर्म्स बने ने, ठीक है, दे विल बी क्वाइट लाइट इन वेट, ठीक है, स्पर्मैटिड्स स्पर्म्स बने ने, स्पर्म्स लाइट वेटेड होंगे एंड मोटाइल होंगे। सो हूँ इन्हों भी 23 सैट ऑफ क्रोमोजोम्स ने। सो इस प्रोसैस में आप कहेंगे मैटामोरफिसिस ऑफ स्पर्मैटिक्स। सो मैटामोरफिसिस ऑफ स्पर्मैटिक्स की बनते हैं अपने स्पर्म्स बनते हैं फ्रॉम स्पर्मैटिक्स एंड स्पर्म्स की होंगे ने दैट मीनस दे रिप्रजेंट द मेल गैमिट। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड आफ्टर द After the spermiogenesis process, that means formation of sperms from spermatids, कि हूँ जो sperm है वह head जोड़ा है वह Sertoli cells दे विच embedded हो जाता है, ठीक है, वो विच अंदर enter हो जाता है कला वह head portion and finally वो seminiferous tubule दे विचो release होके हूँ Sertoli cells दे विच अंदर वह head जोड़ा है वो मतलब कि embedded हो गया है, हूँ वो seminiferous tubule छड़ दूगा। इस process में आप spermiation कहेंगे। In our next section, we will see what is permeation.